तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि लीवाई स्क्वाड उस चैपल में पहुंच जाती है एरन को बचाने के लिए, और उस चैपल के अंदर लॉर्ड राइज हिस्टोरिया से कहता है कि फ्रीडा अभी पूरी तरीके से मरी नहीं है, उसकी मेमोरीज अभी भी जिंदा हैं, क्या तुम उससे वापस मिलना चाहोगी? तो हिस्टोरिया हाँ कह देती है, और फिर लॉर्ड राइज एक बैग में से एक इंजेक्शन निकालता है, और उसे देखकर एरन को भी वही वक्त याद आता है जब उसके डैड ने उसे ये इंजेक्शन लगाया था। फिर हम देखते हैं कि सर्वे कॉप्स उस चैपल के अंदर जाने का दरवाजा खोलते हैं और वहां पर तीन ड्रम बैरल्स को फेंक देते हैं सीढ़ियों से, जिनके अंदर गन पाउडर होता है, और वो सभी लोग उस चैपल के अंदर आ जाते और शाशा एक तीर के जरिए उसमें से एक बैरल को फोड़ देती है, और वहां पर बहुत सारी स्मोक होने लग जाती है। और कैनी की स्क्वाड की एक सोल्जर ये देखकर सोचती है, अबे ये क्या भाई, इतना सारा स्मोक, ये किसने किया? और तभी लीवाई आगे की तरफ बढ़ता है उन पर हमला करने के लिए। ऊपर खड़े उन सभी लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, और लीवाई उन सभी की काउंटिंग करता है कि वो कितने हैं, और वो 35 दुश्मन होते हैं, और सभी के सभी उन बड़े बड़े पिलर्स के पीछे छुपे हुए थे। और फिर उन सभी के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते वो सभी के सभी सर्वे कॉप्स कैनी स्क्वाड के मेंबर्स को मारने लगते हैं, और लीवाई और मिकासा बहुत ही बुरे तरीके से मार रहे होते सब। पर तभी कैनी वहां पर आ जाता है, और लीवाई और कैनी के बीच में एक खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है, और कैनी अचानक से लीवाई के पीछे आकर अटैक कर देता है, और लीवाई को चाकू की मदद से एक कट मार देता है। फिर वो लीवाई पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, और लीवाई पेट्रोलियम की एक थैली कैनी की तरफ फेंकता है, और जैसे ही कैनी की गोली उस थैली पर लगती है वहां पर एक धमाका हो जाता है, और लीवाई फिर उसी धमाके के बीच में से निकलकर कैनी के पास आता है और अपने ब्लेड से कैनी पर अटैक कर देता है, और फिर कैनी वहां से भागने लगता है घायल होकर। फिर हम देखते हैं कि ये केविन हांजी पर अटैक करती है, लेकिन हांजी उसकी दोनों की दोनों गोलियों से बच जाती है, लेकिन केविन हांजी पर ओडियम गेयर के वायर से अटैक करके उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है, और फिर केविन बचे हुए साथियों के साथ उसकी दूसरी डिफेंसिव पोजीशन पर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि केविन और बाकी सभी इंटीरियर पुलिस के मेंबर्स एक जगह पर आ जाते हैं, और उस रास्ते पर जाली गिरा देते हैं एक बहुत बड़ी सी, और अपनी अपनी पोजीशंस को ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड राइज को भी ये सारी की सारी आवाजें सुनाई देती हैं उनकी फाइट की, और वह हिस्टोरिया को जल्दी करने के लिए कहता है। एरन बहुत ही ज्यादा घबराया होता है, एरन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हिस्टोरिया उसे कहती है, क्या हुआ भाई तुम्हें, टिक्के नहीं बैठ सकते तुम? एरन, लॉर्ड राइज कहता है कि अब जो पावर एरन के डैड ने चुराई थी वो सही जगह पर जाने वाली है, मतलब कि तुम्हारे अंदर हिस्टोरिया। और लॉर्ड राइज उन्हें बताता है कि ये जगह 100 साल पहले उनके पूर्वजों ने बनाई थी टाइटन पावर की मदद से, और ये तीनों की तीनों दीवारें वॉलसीना, वॉलरोज और वॉलमारिया टाइटन की पावर की हेल्प से ही बनी है। उस टाइटन ने सभी के सभी लोगों की मेमोरीज को मिटा दिया था, लेकिन सिर्फ फ्रीडा ही जानती थी। फ्रीडा के पास उस टाइटन पावर से कहीं ज्यादा पावर थी, उसे पता था हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री के बारे में। वो सिर्फ 15 साल की थी जब उसने ये सारी की सारी नॉलेज ले ली थी मेरे छोटे भाई को खाकर। और इस दौरान फ्रीडा ने फाउंडिंग टाइटन के साथ साथ इस दुनिया की सारी मेमोरीज भी ले ली थी, और हमारे इंसेस्टर्स पिछले 100 सालों से ऐसा ही करते आ रहे थे। पर एक दिन एरन के गिरीशा उस भूतनी वाले ने हमारी इस पावर को चुरा लिया। पर एक अच्छी बात ये थी कि ये फाउंडिंग टाइटन की जो पावर थी ना, वो सिर्फ हमारी ही फैमिली यूज कर सकती है जिनके अंदर रॉयल ब्लड है, और एरन के अंदर वो पावर्स किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो उन्हें कभी यूज ही नहीं कर पाएगा। और तभी कैनी वहां पर आता है और लॉर्ड राइज से बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब है कि अगर कोई रॉयल फैमिली का मेंबर टाइटन बनकर एरन को खा जाता है तो वो फाउंडिंग टाइटन की पावर को इस्तेमाल कर पाएगा। लॉर्ड राइज उसे कहता है, हां तुमने सही कहा, यही तो प्लान है मेरा। और तभी कैनी गुस्सा हो जाता है और लॉर्ड राइज को उसके कॉलर से पकड़ लेता है, क्योंकि कैनी भी उस टाइटन पावर को चुराना चाहता था। और हिस्टोरिया कैनी से उसके डैड को छोड़ने के लिए कहती है, तो कैनी उससे कहता है, अरे ओ कैनी, ये तुम्हारा बाप है ना जो, ये तुम्हें मॉन्स्टर बनाकर एरन को खिलाना चाहता है। तो हिस्टोरिया कहती है, अच्छा तो अगर यही मेरी ड्यूटी है तो मैं ये करूंगी, मैं एरन को खाऊंगी और अपनी बहन फ्रीडा को वापस लाऊंगी, मैं दुनिया की पूरी नॉलेज को लूंगी और इन टाइटन्स का नामो निशान मिटा दूंगी। तो कैनी हिस्टोरिया से कहता है, ये लॉर्ड राइज तुमसे ये बस इसलिए करा रहा है सब क्योंकि ये खुद एक डरपोक है एक नंबर का, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है करने की, और तो और इसने भाई और अपनी बेटी से ये सब करवाया था पहले भी। तो लॉर्ड राइज कहता है, ऐसा नहीं है हिस्टोरिया, मैं टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, मेरे पास वो पावर्स ही नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। तो कैनी लॉर्ड राइज को छोड़ देता है, और लॉर्ड राइज कैनी से कहता है, अच्छा बेटे आपने मेरी बहुत अच्छी सेवा की, अब तुम आजाद हो, जाओ तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। तो कैनी एरन के पास जाने लगता है, और लॉर्ड राइज को कहता है, ये दोनों के दोनों टाइटन बनकर लड़ेंगे और इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो जिंदा रहेगा। तभी कैनी एरन के सर पर एक कट मार देता है, और लॉर्ड राइज हिस्टोरिया को जल्दी से टाइटन में बनने के लिए बोलता है, और कहता है कि अगर उसने एरन की स्पाइनल फ्लूइड को अपने मुंह के अंदर डाल लिया तो उसे एरन की पावर्स मिल जाएंगी। हिस्टोरिया एरन की तरफ देखती है और उसे पूछती है, क्या हुआ, तुम टाइटन में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे एरन, अब हमारी फाइट होनी है, जल्दी से टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो एरन रोते हुए कहता है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे डैड ने तुम्हारी बहन को मारकर तुम्हारी फैमिली की पावर चुरा ली, अगर वो ऐसा नहीं करते तो न जाने कितने ही लोगों की जान बच जाती। ठीक है यार, मुझे खाकर तुम वापस ले लो इस ताकत को और इंसानियत को बचा लो। तभी हिस्टोरिया लॉर्ड राइज से पूछती है कि 100 सालों से हमारे परिवार के पास ये पावर्स थी टाइटन्स को कंट्रोल करने, फिर भी हमने उन सभी टाइटन्स को खत्म क्यों नहीं किया पहले ही, और लोगों को आजाद क्यों नहीं कर दिया। तो लॉर्ड राइज उसे बताता है कि जिस राजा ने ये दीवारें बनाई थी वो चाहती थी कि पूरी की पूरी इंसानियत दीवारों के अंदर ही जिए अपनी लाइफ इन टाइटन्स से डरकर, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही रास्ता है शांतिपूर्वक जीने का। पता नहीं साले पागल थे वो लोग, ये तो वही जाने अब हमें नहीं पता इसके बारे में, पहले मैंने और मेरे छोटे भाई ने भी हमारे डैड से कई बार कहा था इंसानियत को आजाद कराने के लिए, लेकिन जब मेरे भाई ने वो पावर्स ली फाउंडिंग टाइटन की तो मैंने देखा कि वो मेरा भाई नहीं था बल्कि कोई और ही बन गया था उन पावर्स के साथ, जैसे कि कोई भगवान, और मैं उस भगवान को इस दुनिया में वापस लाना चाहता हूं। और ये कहते हुए लॉर्ड राइज हिस्टोरिया को वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हिस्टोरिया ये मेरे की कही हुई कुछ बातें याद करती है और
और उस इंजेक्शन को फेंक देती है। और ये देखकर लॉर्ड राइस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हिस्टोरिया पर हमला कर देता है। तो हिस्टोरिया उसे उठाकर पटक देती है और कैनी ये देखकर पीछे हंस रहा होता है। फिर हिस्टोरिया एरिन के पास आती है उसे फ्री करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड राइस उस टूटे हुए इंजेक्शन के पास जाता है और उस लिक्विड को चाटकर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और इस तरफ हम लोग देखते हैं कि कैनी की स्क्वाड वो जाले लगा देती है ताकि जैसे ही सर्वे कॉप्स इस दरवाजे से यहाँ पर आए वो उन सभी को गोलियों से उड़ा दे। फिर लीवाई और बाकी सभी मेंबर्स उस जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं और वहां पर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक जाल है लिटरली। फिर उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है ऊपर की तरफ और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड राइस के ट्रांसफॉर्मेशन की रोशनी उन सभी के सभी सोल्जर्स को दिखाई देती है और लॉर्ड राइस के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो जगह भी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगती है। फिर हम हिस्टोरिया को देखते हैं जो कि एरिन को आजाद कर रही होती है पर एरिन उसे वहीं पर छोड़ के वहां से भागने के लिए कहता है लेकिन हिस्टोरिया उसकी बात नहीं सुनती। लेकिन फिर लॉर्ड राइस के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हिस्टोरिया दूर जाकर गिरती है लेकिन मिकासा वहां कर उसे पकड़ लेती है टाइम पर। और फिर लीवाई कोनी और जीन एरिन को आजाद कर देते हैं उन बेड़ियों से और हांजी लॉर्ड राइस के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कहती है उपे ये तो कोलोसल टाइटन से भी बहुत बड़ा होगा भाई जरा साइज देखो इसका। और एरिन सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे अगर इस वक्त वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म भी हुआ तो इससे वो उन क्रिस्टल के टुकड़ों के अंदर दब जाएगा। और एरिन ये सब सोचकर डिसअपॉइंटमेंट में नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो उन सभी की लाइफ को सेव नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उसे एक बॉटल दिखती है जिसमें आर्मर लिखा होता है जो कि हिस्टोरिया के बैग से गिर गई थी जब वो दूर गिर गई थी। फिर जीन हांजी और कोनी उसे समझाते हैं कि वो अकेला नहीं है भाई हम साथ है तेरे तो चिंता मत कर हम पहले भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशन से निकल चुके हैं बोल गए तो मैं एरिन। और वह सभी लोग वहां से बाहर निकलने का कुछ सोचने लगते हैं तो एरिन कहता है हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हिस्टोरिया से कहती है एरिन भाई कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना ऐसे तो हम मर जाएंगे यहीं पे। तभी लीवाई एरिन से कहता है एरिन तुम्हें फैसला करना होगा। फिर एरिन उस पोर्टल को उठाता है जिस पर आर्मर लिखा हुआ था और भागते हुए लॉर्ड राइस की तरफ जाता है और सोचता है अपने मन में मैं ये कर सकता हूँ। और एरिन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी हार्डनिंग एबिलिटी को यूज करके वहां पर पेड़ों की ब्रांचेस की तरह कुछ बनाने लगता है जो कि एक चेन रिएक्शन सा क्रिएट करते हैं और कैनी की स्क्वाड उन क्रिस्टल्स के टुकड़ों के नीचे दबने लगती है। और तभी हम आर्मिन और मॉबलेट को देखते हैं जो कि हांजी को लेकर उस चैपल के बाहर निकल जाते हैं और उनके बाहर निकलने के बाद ही वो चैपल और उसके आसपास की जमीन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और फिर वो देखते हैं एक बड़े से टाइटन को जो कि और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड राइस ही होता है और वो रेंगते हुए सीधा वॉल्ड रोज की तरफ ही जा रहा होता है। एरविन और उसकी स्क्वाड भी लॉर्ड राइस को देख लेती है उस टाइटन के फॉर्म में। अबे ये तो कोलोसल टाइटन से भी दुगना बड़ा है भाई कमांडर एरविन हमें अब क्या करना चाहिए ये तो वॉल को आसानी से तोड़ देगा हम क्या करें कमांडर। कमांडर एरविन उन सभी को आगे बढ़ने के लिए ऑर्डर देता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि हार्डनिंग एबिलिटी का यूज करने की वजह से टाइटन बॉडी भी हार्ड हो जाती है क्रिस्टल की तरह। और मिकासा और जीन एरिन को उसकी टाइटन फॉर्म से बाहर निकालते हैं और एरिन की हार्डनिंग एबिलिटी की वजह से उन सभी लोगों की जान बच जाती है। देखो एरिन इसे ये है तुम्हारी हार्डनिंग एबिलिटी अपने टाइटन फॉर्म से बाहर निकलने के बाद भी ये एबिलिटी एकदम इंटैक्ट है इससे हमारा काम बन जाएगा। तो एरिन बोलता है कि मैंने टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने से पहले एक बॉटल पी थी जिसपे आर्मर लिखा हुआ था। लीवे को शक होता है कि पहले तो इससे हार्डनिंग एबिलिटी का यूज नहीं हो रहा था पर उस बॉटल में ऐसा क्या था कि ये पलक झपकते ही अपनी हार्डनिंग एबिलिटी को यूज करने लग गया। अब मैं श्योर हूँ कि उन वॉल्स को भी ऐसी बनाया गया होगा उस फाउंडिंग टाइटन के द्वारा और मुझे लगता है कि अब हम वॉल मारिया को भी सील कर सकते हैं तुम्हारी हेल्प की वजह से एरिन। तो एरिन सोचता है अगर हमने वॉल मारिया को वापस पा लिया तो मैं अपने घर के बेसमेंट में भी जा सकता हूँ लेकिन मेरे डैड ने जो किया वो बहुत ही गलत था जिसकी वजह से एरिन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है कि उसके फादर ने पूरी राइस फैमिली को मार दिया और उनकी पावर्स को चुरा लिया। फिर हम देखते हैं कि हांजी और कोनी एक रस्सी की मदद से वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और वह सभी लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं और लॉर्ड राइस को देखते हैं और उसके अंदर से इतनी ज्यादा हीट निकल रही होती है कि कोई भी सैनिक उसके पास भी नहीं जा पाता। और एरविन को पता चलता है कि लॉर्ड राइस एक एबनॉर्मल टाइटन है। फिर एरविन सभी को पता लगाने के लिए कहता है कि लॉर्ड राइस किस शहर की तरफ जा रहा है ताकि वो उसके रोकने के लिए कोई प्लान वगैरह बना सके। फिर एक सोल्जर एरविन को बताता है सर मैंने अभी लीवे स्क्वाड को देखा वो यहां से पास में ही है और उन्होंने एरिन और हिस्टोरिया को सेव कर लिया है। फिर एरविन भाग कर जाता है लीवे स्क्वाड के पास और उसे पता चलता है कि वो टाइटन लॉर्ड राइस है। एरविन उन सभी को डिस्ट्रिक्ट वापस लौटने के लिए कहता है तभी लीवे उसे कहता है कि क्या भाई कमांडर एरविन हम इस टाइटन को ऐसे ही आगे बढ़ते रहने दे ये सब कुछ तबाह कर देगा अभी थोड़ी देर में ही। फिर वो सभी लोग वॉल के अंदर बढ़ने लगते हैं तो एरिन बोलता है अरे यार अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अगर लॉर्ड राइस ने मुझे खा लिया तो वो फिर से ह्यूमन बन जाएंगे और मेरी फाउंडिंग टाइटन की ताकत उनके पास चली जाएगी जिसका यूज करके वो सभी टाइटन्स को हरा सकता है। तभी लीवे उसे कहता है यार पहले तो हमें ना इस लॉर्ड राइस का ब्रेन वॉश करना होगा और उसे इंसानियत का सही रास्ता दिखाना होगा तो क्या अगर हमने ऐसा कर दिया तो एरिन तुम तैयार हो उसका खाना बनने के लिए। तो हिस्टोरिया कहती है लेकिन ये प्लान काम नहीं करेगा क्योंकि अगर लॉर्ड राइस ने फाउंडिंग टाइटन की पावर हासिल कर ली तो पहले राजा की सोच उस पर हावी हो जाएगी और वो सभी इंसानों की यादों को मिटा देगा। जिस राजा ने उन फॉल्स को बनाया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो एक सेकंड में लॉर्ड राइस को ओवर पावर करके उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेगा और सभी की मेमोरीज को फिर से खत्म कर देगा। एंड वी आर बैक टू स्क्वेयर वन और हमें फिर से उन टाइटन से बच बच के रहना पड़ेगा क्योंकि उसे तो यही लगता था ना कि उसने सही किया बिल्कुल ये दीवारें खड़ी करके यही तरीका था उसके लिए तो इंसानियत को बचाने के लिए और शांतिपूर्वक जीने के लिए। और एरिन तुम्हारे डैड बिल्कुल भी पूरे नहीं थे उन्होंने ये इसीलिए किया था क्योंकि वो उन सभी को राजा की सोच से बचाना चाहते थे और राइस फैमिली को मारने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। और मिकासा कहती है हाँ तुम सही कह रही हो हिस्टोरिया। फिर वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग लॉर्ड राइस को मार देंगे और हिस्टोरिया एरिन से सॉरी मांगती है क्योंकि वो पहले एरिन को खाने के लिए तैयार हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग डिस्ट्रिक्ट के रेज
रेजिमेंट ब्रांच में पहुंच जाते हैं और लीवाई हिस्टोरिया से कहता है कि लॉर्ड राइस के मरने के बाद उसे एक क्वीन बना दिया जाएगा क्योंकि वही राजगद्दी की असली हायर है। हिस्टोरिया मान जाती है और वो कहती है कि उससे पहले मेरी एक शर्त है कि मैं इस मिशन में लड़ना चाहती हूं तुम्हारे साथ ही। फिर उन सभी लोगों की एक मीटिंग होती है और एक सोल्जर एरविन को बताता है कि वह लॉर्ड राइस तक कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो एक ऑफिसर एरविन से पूछता है कि सर इतनी जल्दी हम सभी के सभी सिटीजंस को कैसे बाहर निकालेंगे उन वॉल से। तो एरविन कहता है नहीं, हम किसी को भी सिटी के बाहर नहीं निकालेंगे। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है भाई, ये सठिया गया क्या एरविन, बाहर नहीं निकालोगे तो मर जाएंगे सब लोग। आखिर करना क्या चाहता है ये कमांडर एरविन। हाँ जी, उन सभी को बताती है कि वो टाइटन एबनॉर्मल है और अगर हमने वॉल रोज के सिटीजंस को वॉल सीना में ट्रांसफर करने की कोशिश की तो वो टाइटन अपना रास्ता बदलकर वॉल सीना की तरफ जाने लगेगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा सभी को तबाह कर देगा। इसलिए हमें उस टाइटन को डिस्ट्रिक्ट के बाहर ही रोकना पड़ेगा और हम सभी के सभी सिटीजंस को एक चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे। और अगर हम ये लड़ाई हार भी गए तो हम सभी के सभी सिटीजंस को जल्दी से डिस्ट्रिक्ट के बाहर निकाल देंगे और उनके पास और कोई चारा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी सोल्जर्स कैनन्स के साथ तैयार हो जाते हैं उस टाइटन पर हमला करने के लिए और तभी लॉर्ड राइस वहां पर आने लगता है और उसे देखते ही वो सभी के सभी सोल्जर्स अपनी कैनन्स को फायर कर देते हैं उस पर। लेकिन लॉर्ड राइस पर उन तोपों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। तो हांजी एरविन को बताती है कि उसे बहुत सारा गन पाउडर और रस्सियों की जाली मिली है एक, लेकिन हमें इस सब को एक साथ करना होगा। और हांजी ने गन पाउडर के डब्बे में ओडियम गियर लगाकर एक हथियार बनाया होता है लॉर्ड राइस पर यूज करने के लिए। फिर वो सभी लोग बैरल्स को एक जगह पर इकट्ठा करने लगते हैं जिसमें बहुत सारा बारूद होता है और एरविन हिस्टोरिया के पास आकर कहता है तुम क्वीन बनने वाली हो और यहाँ पर लड़ना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा हिस्टोरिया। और दूसरी तरफ एरविन सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि हिस्टोरिया सबसे ज्यादा वीक है हम सब में से, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निकली यार, सबसे बड़ा नूब तो मैं ही हूँ यहाँ पे, मेरी वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान गवाई है, मैं टाइटन से सबसे ज्यादा नफरत करता था, लेकिन भाई मैं तो खुद ही एक टाइटन हूँ। और एरविन खुद को मुक्के मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड राइस दीवार के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और सभी सैनिक उसकी गर्दन पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं उन कैनन की हेल्प से। और फिर लॉर्ड राइस उस दीवार पर आ जाता है और उस दीवार को पकड़कर खड़ा हो जाता है, पर तभी उस टाइटन के वहां पर आने की वजह से उसमें से बहुत ही गर्म भाप निकलने लगती है, पर फिर भी वो लोग वहां से हटते नहीं है और अभी भी उस पर फायर कर रहे होते हैं। और वो टाइटन वॉल का सहारा लेकर खड़ा होना शुरू हो जाता है जिससे वॉल पर भी असर होता है और वो टूटने लगती है। ये टाइटन वॉल से भी दुगना बड़ा था और ये काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग लग रहा था। सर देखो तो सही से, क्या है ये, उसका मुंह और उसका पेट पूरी तरह से घिस चुका था क्योंकि वो घसीटते घसीटते वहां पर आ रहा था और इसकी वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी बाहर निकलने लगते हैं जिसकी वजह से कुछ सोल्जर्स मर जाते हैं उस वॉल पर। सभी के सभी लोग इस टाइटन को देखकर पैनिक करके वहां से भागने लगते हैं और तभी एरविन भी अपने हाथ को काटकर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एरविन के स्मोक गिरने पर उस गन पाउडर वाले कार्ट को टाइटन के हाथ पर शूट किया जाता है और कार्ट उसके पास जाते ही उसकी स्टीम से ब्लास्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो टाइटन अपना बैलेंस खोने लगता है और उसका चेहरा दीवार पर लग जाता है। इसके बाद एरविन सारा का सारा गन पाउडर लेकर रोड्स की तरफ भागता है। दरअसल ये उनका प्लान था कि वो ढेर सारा बारूद राइस के गले में डालकर ब्लास्ट कर देंगे जिससे वो मर जाएगा। एरविन ऐसा ही करता है और सारा का सारा बारूद उसके गले में डाल देता है और सारा का सारा गन पाउडर उसकी हीट से ब्लास्ट हो जाता है और उस टाइटन की बॉडी अंदर से फट जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद एरविन उन स्काउट्स को ऑर्डर देता है कि वो अपने ओडियम गियर का यूज करके उन सभी के सभी पार्ट्स को हवा में ही खत्म कर दे ताकि वो रीजनरेट ना हो पाए। हिस्टोरिया की नजर उसके एक हिस्से पर जाती है जिससे अभी भी स्टीम निकल रही थी, वो उस हिस्से को काट देती है और हिस्टोरिया उस पर अटैक करके अपने फादर को मार देती है। और तभी हिस्टोरिया नीचे गिरकर उन सभी लोगों को बताती है कि मेरा नाम हिस्टोरिया राइस है और मैं आप लोगों की नई क्वीन हूं और यही उसका प्लान था कि वो ही उस टाइटन पर आखिरी अटैक करेंगी ताकि वो लोगों के सामने खुद को साबित कर सके अपने फादर को मारकर। इसके बाद हम शाम को उसी अंडरग्राउंड केव का सीन देखते हैं जहां पर कैनी काफी जख्मी हालत में बाहर आता है और वो कुछ लोगों को याद कर रहा होता है जिनसे वो पहली बार मिला था, जिसमें सबसे पहले वो यूरी को देखता है जो उससे माफी मांग रहा था। फिर वो एक छोटे कमजोर बच्चे को देखता है। फिर उसे सैनिस और केविन भी दिखाई देती है जो कि उसकी स्क्वाड के ही मेंबर थे और वो लोग भी उसी गुफा में मर गए थे। कैनी किसी तरह से एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ जाता है, पर तभी लीवाई वहां पर आ जाता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी स्क्वाड के सभी लोग मर चुके हैं उस मलबे में दबकर और बस तुम ही जिंदा बचे हो। अब लीवाई कैनी से कहता है बेटा अब नहीं बचेगा तू, अब तो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है। कैनी पहले तो हंसता है और कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। और तभी कैनी एक टाइटन इंजेक्शन को निकालता है जैसा कि हमने पहले देखा था। ये देखकर लीवाई शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद हम कई साल पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कैनी अभी यंग था और वहां वो किंग यूरी से मिलता है जिसने उसे अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। वहां यूरी के साथ उसका भाई लॉर्ड राइस भी था जो कैनी को अपनी गन से शूट करने के लिए रेडी था, पर यूरी उसे रोक लेता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। और तभी अचानक से ही यूरी कैनी को छोड़ देता है जिससे रोड को काफी गुस्सा आता है कि भाई क्या क्यों छोड़ रहा है इसे। यूरी अपने टाइटन फॉर्म से निकलकर कैनी के पास आता है और अब जैसे ही कैनी उस पर एक गन से हमला करने वाला होता है तो यूरी अपना सर झुकाकर कैनी के सामने बैठ जाता है। यूरी कहता है कि मैं जानता हूं एकरमेंस पर काफी ज्यादा अत्याचार किए गए हैं और तुम्हारी नफरत भी जायज है और मैं तुमसे इसी बात की माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ कर देना। कैनी ये देखकर हैरान रह जाता है। अब उरी कैनी को अपनी काउंसिल में शामिल कर लेता है और इसके बाद लोगों ने एकरमैन फैमिली को सताना बंद कर दिया। फिर कैनी कोचल से मिलने जाता है और वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। कैनी उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन एक बच्चा बोलता है कि वो मर चुकी है। कैनी उस लड़के से उसका नाम पूछता है और हमें पता चलता है कि ये बच्चा लीवाई है। कैनी कहता है तुमने सही किया कुचल अपना सरनेम ना बताकर। फिर हम देखते हैं कि यूरी बहुत सारे लोगों के साथ पूजा कर रहा होता है। अब उरी कैनी को बताता है कि उसके पास कुछ ही वक्त
बचा है और मेरी पावर लॉर्ड राइस के बच्चों को दे दी जाएगी बहुत ही जल्द, फिर मैं उनकी यादों में जिंदा रह पाऊंगा हमेशा। के कहने को कुछ समझ नहीं आता कि ये बोल क्या रहा भाई। फिर हम देखते हैं कि उरी फ्रीडा को खा लेती है और कैनी फ्रीडा की आंखों में फाउंडिंग टाइटन की पावर देखता है और उसे उसके अंदर उरी की झलक दिखती है। और कैनी सोचता है कि अगर कोई किसी तरीके से इस पावर को हासिल कर ले, उरी हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहेगा। अगर मैंने उस पावर को हासिल कर लिया तो क्या मैं भी उसी की तरह फील करने लग जाऊंगा और स्ट्रांग बन जाऊंगा काफी ज्यादा। और तभी कैनी उस फ्लैशबैक से बाहर आता है। कैनी उसे बताता है कि उसने लॉर्ड रीज के बैग में से एक इंजेक्शन चुरा लिया था और अगर उसने ये लगा लिया तो वो भी एक टाइटन में बदल जाएगा। फिर लेवा से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी पता है पहले राजा के बारे में मुझे बताओ। क्यों नहीं चाहता था कि इंसानियत जिंदा रहे? इन तीन वॉल्स के अंदर क्यों कैद करके रखा हमें? और कैनी को ये भी चलता है कि डीवाई उसकी मॉम का भाई है और ये जो लड़की हमने देखी थी पहले ये कैनी की मॉम थी और वो जो छोटा लड़का था वो उसकी मॉम का भाई था। और कैनी लीवाई को वो इंजेक्शन दे देता है और मर जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि सुप्रीम कमांडर ज़ेकरी सभी के सामने हिस्टोरिया को क्वीन का ताज पहना देता है और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सभी लोग हिस्टोरिया को चीयर अप कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्वीन बनने के बाद हिस्टोरिया लीवाई को एक मुक्का मारती है और कहती है कि अगर दम है तो मुझ पर अटैक करो अब लीवाई, अब तो मैं क्वीन बन गई हूं। और लीवाई हिस्टोरिया का मुक्का खाने के बाद जिंदगी में पहली बार हंस देता है और उन सभी को थैंक यू बोलता है उसका साथ देने के लिए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइनर काफी बुरे तरीके से घायल पड़ा होता है और ब्रेथहोल्ड उसे उसकी टाइटन फॉर्म से बाहर निकालता है और राइनर की ये हालत की होती है बीस्ट टाइटन ने और वो कहता है कि वो एनी को बाद में बचाएंगे, सबसे पहले वो उस फाउंडिंग टाइटन को हासिल करेंगे। और तभी उसमें से जीक निकलता है और इस तरफ वॉल रोज के अंदर हमें पता चलता है एरिन की हार्डिंग एबिलिटी की हेल्प से टाइटन्स को मारने के लिए एक खतरनाक सा वेपन बनाया जाता है जिसमें एक सैनिक एक टाइटन को अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही वो टाइटन एक पोजीशन पर आ जाता है ऊपर से एक बड़ी सी लकड़ी गिरती है और उस टाइटन की गर्दन को तोड़कर उसे मार देती है और इस वेपन की मदद से किसी भी को अपनी जान दांव पर नहीं लगानी पड़ेगी अब। और एरन के हार्डनिंग एबिलिटी को ज्यादा यूज करने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो हांजी को जल्दी जल्दी ऐसे ही बहुत सारे वेपन्स बनाने के लिए बोलता है ताकि फिर वो शिकांशिना डिस्ट्रिक्ट जा सके एरन के बेसमेंट का राज जानने के लिए। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी एरन उन सबको बताता है कि जब लॉर्ड रीज ने उसे हाथ लगाया था उसकी पीठ पर तो उसे वहां पर एक सोल्जर की मेमोरी दिखाई दी थी। मुझे लगता है कि शायद इस बंदे का कुछ कनेक्शन है इन सब से। जब वॉल मारिया टूट गई थी तो वो मेरे डैड के साथ ही था मेरी मेमोरीज में, तो शायद उससे हमें कुछ पता चल सकता है। और यार पता नहीं क्यों मुझे वो देखा देखा लग रहा है बंदा बहुत। शाशा उसे कहती है भाई ये काम कर एरन अपना ना सर दीवार पे मार के देख एक बार, शायद तुझे याद आ जाएगा। और तभी एरन को याद आता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि कीत होता है जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। और तभी वो सभी लोग कीत के पास आते हैं और वो सभी लोग एक रूम में बैठकर बात करते हैं। फिर कीत उन सभी को बताता है कि मुझे एरन के डैड के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर हां 20 साल पहले शिकांशिना डिस्ट्रिक्ट के गेट के बाहर मुझे गिरिशा ये कर मिला था। मुझे ये नहीं पता कि वो सच बोल रहा था या झूठ, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो वॉल्स के बाहर क्या कर रहा था। वहां पे वो अपनी सारी की सारी मेमोरीज भूल चुका था सिवाय इसके कि उसका नाम गिरिशा येकर है। गिरिशा उसे कहता है कि मुझे बस दो चीजें याद है, एक तो मैं एक डॉक्टर था और दूसरा मेरा नाम गिरिशा है। उसे वॉल्स के बारे में कुछ नहीं पता था और इसके बाद गिरिशा और कार्ला नाम की लड़की ने शादी कर ली और मुझे सर्वे कॉप्स का कमांडर बना दिया गया। पर एक दिन वॉल मारिया टूट गई और जब गिरिशा ने उसकी मॉम के बारे में पूछा उससे तो एरन ने बताया कि उसकी मॉम को टाइटन ने खा लिया है। फिर गिरिशा ने एरन को कहा बेटा तुम्हें अपनी मॉम का बदला लेना होगा और वो एरन को लेकर जंगलों में जाने लगा था। फिर मैंने उसे कहा भाई अपने बेटे की जान को क्यों दांव पर लगा रहे हो तुम? गिरिशा से कहता है चुप, ये तेरी तरह घोंचू नहीं है, मुझे एरन पर पूरा विश्वास है और तुम दूर रहो हमारे फैमिली मैटर से। फिर वो एरन के साथ जंगल में चला गया और उसे दूर से एक बिजली दिखाई दी और जब उसने वहां पर जाकर देखा तो उसे वहां पर एरन मिला और वो बेहोश था और वो उसे उठाकर फिर से शेल्टर में ले आया। इसी के साथ वो फ्लैशबैक से बाहर आता है और कहता है कि बस भाई मुझे तो इतना ही मालूम है यार। अब इसके बाद लीवाई उस इंजेक्शन को सभी को दिखाता है जो उसे कैनी ने दिया था और कमांडर ज़ेकरी से पूछता है तुम्हें पता चला क्या इस इंजेक्शन में क्या है? हाँ जी कहती है सर हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से हम इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं लगा पाए, पर हमें इतना पता चला है कि ये किसी इंसान का लिक्विड फ्लूइड है और अगर हमने इसे बाहर निकाला तो ये भाव बनकर उड़ जाएगा एक सेकंड के अंदर, तो हम इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकते। ये काफी हाई टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया गया है। और कमांडर एरविन लीवाई को उस इंजेक्शन को संभाल के रखने के लिए कहता है ताकि इन फ्यूचर वो इसे यूज कर पाए। और इसके बाद आ गया नहीं ही बिल्लो टाइम जब वो सभी के सभी सोल्जर्स वॉल मारिया को हासिल करने के लिए मिशन पर निकलेंगे और वो सभी लोग जब दीवार पर होते हैं तो बहुत सारे लोग सर्वे कॉप्स को चीयर कर रहे होते हैं और कहते हैं आपको वॉल मारिया को हमारे लिए हासिल करना होगा, कमांडर एरविन आपके साथ ये सब कुछ, बिग फैन। और ऐसा पहली बार होता है जब वॉल के लोगों ने किसी मिशन पर जाने के लिए इतना चीयर किया होता है सभी सोल्जर्स को। फिर सभी सोल्जर्स वॉल मारिया को वापस पाने के लिए मिशन पर निकल जाते हैं और फिर हम देखते हैं राइनर और ब्रेथहोल्ड को जो कि वॉल मारिया की दीवार पर होते हैं और उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब वो सभी के सभी सोल्जर्स वॉल मारिया की तरफ बढ़ने लगते हैं और वॉल मारिया की तरफ पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और वो सभी के सभी सोल्जर्स जंगल में होते हैं। तब उनके सामने एक टाइटन आ जाता है पर हांजी नोटिस करती है कि वो एकदम खड़ा था वहां पे बस बुत बन के, वो टाइटन हिल नहीं रहा था। तो हांजी कहती है कि भाई चुपचाप यहां से निकल लो, कोई शोर मत मचाना, ये टाइटन रात को एक्टिव नहीं होता। अब थोड़ी देर तक चलते चलते
वो लोग पूरे 5 साल बाद अपने गांव शिगांशिना को देखते हैं और वो लोग अपने घोड़ों पर तेजी से वहां पर बढ़ने लगते हैं आगे। एरविन उन सभी को चौकन्ना रहने के लिए कहता है क्योंकि वहां पर टाइटंस भी हो सकते थे, और उन सभी को ओडियम केयर में शिफ्ट होने का ऑर्डर देता है घोड़े छोड़कर। और उसका प्लान ये होता है कि वो सबसे पहले शिगांशिना के बाहरी गेट को सील करेंगे और फिर अंदर वाले गेट को, और फिर जो भी टाइटंस उस शिगांशिना के अंदर हैं वो उन सभी को मार देंगे। फिर एरिन अपने घोड़े को छोड़कर दीवार पर चढ़ने के लिए अपना ओडियम गियर में शिफ्ट हो जाता है। पर वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि उन्हें अभी तक एक भी टाइटन नहीं नजर आता वहाँ पे, वो जगह एकदम शांत थी, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर हांजी ग्रीन स्मोक सिग्नल फायर कर देती है और उसे देखकर और भी सैनिक ऐसा ही करते हैं, और फिर एरिन अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बाहर वाले गेट को अपनी हार्डिंग एबिलिटी का यूज करके सील कर देता है। और मिकासा उसे उठाकर दीवार के ऊपर ले जाती है और हांजी सभी को चौकन्ना रहने के लिए कहती है। फिर वह सभी दूसरे गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं और एरिन सोचता है कि मैंने गेट को सील कर दिया। लीवा उसे कहता है कि अभी रिलैक्स मत करो, जब तक हम ब्रेथ होल्ड राइनर उन सभी को नहीं मार देते, वॉल मारिया को वापस पाने का मिशन खत्म नहीं होगा, अभी बहुत काम पड़ा है। तभी एरविन के साथ खड़ा एक सैनिक कहता है, कुछ तो गड़बड़ है यार, हमने एक गेट को सील भी कर दिया पर अभी तक हमें एक भी टाइटन नजर नहीं आया, ये कैसे हो सकता है यार। तभी आर्मिन को 3 कप मिलते हैं और कमांडर एरविन समझ जाता है कि दुश्मन यहाँ आसपास ही है, उन्हें 5 मिनट पहले से ही पता चल गया था हमारे आने का। और वो आर्मिन से कहता है कि आर्मिन तुम्हें जितने सैनिक चाहिए तुम लेके जाओ, तुम्हें बहुत दिमाग है आर्मिन और अभी हमें तुम्हारी जरूरत है। और कमांडर एरविन आर्मिन को कुछ सोल्जर्स का कमांड दे देता है और आर्मिन उन सैनिकों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके वॉल के अंदर वाले घरों में दुश्मन को ढूंढने के लिए बोल देता है। आर्मिन को देखते हैं और वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है भाई, उन्होंने अभी तक हमें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, हमें पता है कि वो यहीं पर हैं पर हम उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। तभी आर्मिन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सभी के सभी सैनिकों को बुलाकर कहता है, भाई दीवारों के अंदर ढूंढो कोई ऐसी जगह जहां पर कोई छुप सके, हो सकता है कि वो जगह कवर्ड हो। तभी कमांडर एरविन रेड स्मोक सिग्नल फायर कर देता है और सभी सैनिकों को कुछ देर के लिए रोक देता है और वह सभी के सभी सोल्जर्स दीवार की तलाशी लेने लगते हैं। और आर्मिन दीवार की तलाशी लेते हुए सोच रहा होता है कहां मिलेगी ये जगह जहां से ये सब कुछ देख सके, वो ऐसी जगह वॉल के अंदर ही हो सकती है। और तभी एक सोल्जर को वो जगह मिल जाती है जहां पर राइनर और ब्रेथहोल्ड छुपे होते हैं और वो सैनिक सिग्नल छोड़कर सभी सोल्जर्स को बता देता है। और तभी राइनर बाहर आता है और उस सैनिक को मार देता है, ये देखकर सभी के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और तभी लीवाई ऊपर से आता है और राइनर के गले में अपने ब्लेड को घुसा देता है और दूसरी ब्लेड उसके सीने में घुसा देता है और उसे नीचे फेंक देता है। लेकिन भाई हम देखते हैं कि राइनर फिर भी नहीं मरता और लीवा सोचता है कि ये क्या मजाक है भाई, भाई ऐसे चीटिंग करोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। और फिर राइनर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी पीछे से बहुत सारे टाइटन्स वहां पर आ जाते हैं अचानक से ही बीस्ट टाइटन के साथ। ये देखकर सभी के सभी सोल्जर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर बीस्ट टाइटन एक पत्थर उठाता है बड़ा सा और उसे फेंक कर दूसरे गेट का रास्ता बंद कर देता है। कमांडर एरविन समझ जाता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि घोड़े उस गेट से पास ना हो पाए और हम सब यहां पर फंस कर रह जाएं। अब इस जंग में या तो ये टाइटन्स बचेंगे या फिर हम। और वो बीस्ट टाइटन धीरे धीरे अपने पूरी फोर्स के साथ उन सोल्जर्स के पास आ रहा होता है। अब वो टाइटन्स और सर्विकॉप्स आमने सामने खड़े होते हैं और फिर राइनर अपने हाथों और पैरों को हार्ड कर लेता है बिल्कुल और वॉल पर चढ़ने लगता है। एरविन सभी को राइनर से लड़ने के लिए मना करता है और उससे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इस वक्त। एरिन उससे पूछता है कि क्या हुआ, हम उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। हांजी कहती है, एरिन मुझे लगता है कि अभी कमांडर एरविन दुश्मन की स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें एक काट टाइटन दिखता है और उसकी पीठ पर डब्बे बंधे हुए थे। कमांडर एरविन समझ जाता है उसी ने हमारे आने की खबर दी होगी राइनर को। एरविन सोचता है कि इन डब्बों के ऊपर क्या रखा हुआ है भाई, इन्होंने क्या होगा इनके अंदर। फिर बीस्ट टाइटन कुछ टाइटन्स को उन पर हमला करने के लिए भेजता है और वह सभी सर्विकॉप्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। कमांडर एरविन को समझ आ जाता है कि ये बीस्ट टाइटन क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसका प्लान है कि वो सबसे पहले हमारे घोड़ों को मारेगा और उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एरिन को कब्जे में लेना है और वह हमें यहाँ से भागने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता। हम यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे इसलिए हमें इन दीवारों के अंदर ही रहना होगा और हम खाना पीना तो अपने साथ लेकर आए नहीं है, तो कुछ ही हफ्तों में हम कमजोर पड़ने लग जाएंगे बहुत ज्यादा और एक ऐसा टाइम आएगा जब हम में से कोई भी हिलने की हालत में भी नहीं होगा कमजोरी की वजह से और ये सभी टाइटन्स हमें आसानी से खा जाएंगे। इसलिए वो सभी के सभी टाइटन्स दीवारों के बाहर खड़े हैं और वेट कर रहे हैं हमारा। फिर हम देखते हैं कि राइनर उस वॉल पर बस चढ़ने ही वाला होता है ऊपर। आर्मिन एरविन को बोलता है, सर क्या करें हम, राइनर ऊपर आने वाला है बस और वो ब्रेथ होल्ड भी आसपास ही होगा। कमांडर एरविन को लगता है कि उनके घोड़ों को मार देंगे मिलकर, इसलिए एरविन एक स्क्वाड को घोड़ों को बचाने के लिए भेजता है और लीवाई और हांजी स्क्वाड को राइनर से लड़ने का ऑर्डर देता है और कहता है कि थंडर स्पीयर्स को यूज करो और इस राइनर को मार गिराओ, शिद्दत से करना, एक ही चांस है तुम्हारे पास, इंसानियत अब तुम्हारे हाथ में है, अपनी पूरी जान लगा दो इसमें। और फिर हम देखते हैं कि हांजी और लीवाई की स्क्वाड उस राइनर पर हमला करने के लिए नीचे कूद जाती है लेकिन एरविन लीवाई और आर्मिन को वहीं पर रोक लेता है और लीवाई से कहता है कि तुम यहीं पर रुकोगे और हमारे घोड़ों को बचाओगे लीवाई, और जैसे ही तुम्हें मौका मिले उस बीच टाइटन को भी मार देना। और लीवाई अपने काम पर निकल जाता है और एरविन आर्मिन से कहता है कि हमें 2 जगह पर लड़ना है, मैं एक जगह पर तो संभालूंगा पर दूसरी जगह पर तुम्हें और हांजी को संभालना पड़ेगा यार सब कुछ। फिर राइनर वॉल पर चढ़ जाता है और सभी घोड़ों की लोकेशन देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि एरिन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, राइनर उसे देख लेता है। फिर एरिन उस गेट की तरफ भागने लगता है जिसे उसने सील किया था अभी और राइनर सोचता है कि क्या ये शिगांशिना के बाहरी गेट से कूदकर और टाइटन से बचकर रोज डिस्ट्रिक्ट के अंदर भागना चाहता है वापस और पीछे से जाकर उन सभी के सभी टाइटन्स को मार देगा, ऐसे तो हम हार जाएंगे, हम उसे वापस नहीं जाने दे सकते, मुझे उसे रोकना पड़ेगा। और अगर उसने वो कोऑर्डिनेट पावर को यूज करना सीख लिया होगा अभी तक तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
जाएंगे और जो भी ये टाइटन्स हम लेकर आए थे वो हम पर ही हमला कर देंगे। पर राइनर समझ जाता है कि ये लोग उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बस कि राइनर एरन के पीछे जाए और उसका ध्यान घोड़ों पर से हट जाए। और फिर राइनर वॉल से नीचे उतर जाता है। फिर हम देखते हैं कि राइनर और एरन आमने सामने आ जाते हैं और राइनर उन घोड़ों पर हमला नहीं करता। अब एरन अपने हाथ को हार्ड कर लेता है और राइनर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एरन उसके सभी के सभी अटैक से बच जाता है और राइनर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए सोचता है, क्या तुम्हें पता है हम अभी कहां पर खड़े हैं? ये जगह मेरा घर थी। और राइनर दूर जाकर गिरता है। एरन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ये मेरा घर था और मैं इसे वापस लेकर ही रहूंगा, सुना तुमने? और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि मार्लो कुछ घोड़ों को बचाकर दूर ले जा रहा होता है और बाकी के सर्वे कॉप्स उन्हें टाइटन से बचा रहे होते हैं। एरन राइनर की धुलाई कर रहा होता है, लेकिन तभी राइनर एरन का पैर पकड़ लेता है और उसे उठाकर एक घर पर पटक देता है और फिर एक जोरदार मुक्का मारता है उस पर, जिससे आसपास की जमीन भी फट जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि एरन उस मुक्के से बच जाता है और राइनर के हाथ को पकड़ लेता है और हमें सर्वे कॉप्स के नए हथियार थंडर स्पेस के बारे में पता चलता है, जो कि स्पेशली उस आर्मर टाइटन से निपटने के लिए बनाया गया होता है। और राइनर को समझ आ जाता है कि वो अकेले उससे नहीं लड़ पाएगा, तो वो प्लान बी स्टार्ट करने का सोचता है अब। लेकिन हांजी और बाकी सर्वे कॉप्स को उसके पास आता देखकर वो रुक जाता है और सोचता है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी पूरी की पूरी बॉडी पर आर्मर है, इनकी ब्लेड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तभी मिकासा और हांजी उसकी आंखों में थंडर स्पीयर्स घुसा देती हैं और उसकी आंखों को फोड़ देती हैं। फिर कोनी शाशा जीन राइनर के पीछे कुछ और थंडर स्पीयर्स को मारते हैं और राइनर के गर्दन की आर्मर को तबाह कर देते हैं। और हांजी उन सभी को एक और बार थंडर स्पीयर चलाने कहती है ताकि वो राइनर को खत्म कर सके। और फिर वो सभी राइनर पर हमला कर देते हैं एक और बार और वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और राइनर जोर से चिल्लाता है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये उस टाइम का फ्लैशबैक था जब एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़े बोल्डर को लेकर उस दीवार के होल को सील करने जा रहा होता है। राइनर और ब्रेथहोल्ड उसे दूर से देख रहे होते हैं। ब्रेथहोल्ड बोलता है, अबे पागल हो गए ये लोग, जो इतने बड़े छेद को उस पत्थर से ढकने जा रहे हैं, हमारी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। राइनर कहता है, तुम सही कह रहे हो भाई, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं भी फिर से टाइटन में बदल जाऊंगा। ब्रेथहोल्ड कहता है, मैंने इतनी मेहनत से ये छेद किया था यार, कोलोसल टाइटन बनके हम ऐसे कैसे इसे भरने दे सकते हैं इसे। लेकिन तभी मार्को पीछे से इनकी सारी की सारी कन्वर्सेशन को सुन लेता है। मार्को उनसे पूछता है, भाई ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, और क्या मतलब मैं टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा फिर से, ये बोल क्या रहे हो तुम? मार्को को यहाँ पर देख कर दोनों की हालत खराब हो जाती है और राइनर बोलता है, अरे भाई हमसे मजाक कर रहे थे। मार्को बोलता है, ओ भाई ये मजाक करने का टाइम नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे ये सब मत करो तुम और बैटल पे फोकस करो। और ये सब बोलकर मार्को वहां से जाने लगता है। पर रास्ते में वो मन में सोचता है कि एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ है तो इसका मतलब बहुत सारे लोग भी होंगे ऐसे जो एरन की तरह ट्रांसफॉर्म हो सकते होंगे टाइटन में। और कोलोसल और आर्मर टाइटन ये अचानक से कहां से आ गए बीच में और गायब भी हो गए इतनी जल्दी एक होल करके, बस शायद ये दोनों हमारे बीच ही हैं। इसका मतलब है कि ये ब्रेथहोल्डर राइनर वो दोनों टाइटन्स हैं। और तभी राइनर पीछे से आकर मार्को को पकड़ लेता है। राइनर उसे कहता है, बहुत समझदार हो गए तुम मार्को, अब तुम्हें हमें जिंदा नहीं छोड़ सकते भाई। मार्को हेल्प के लिए चलाता है और तभी एनी वहां पर आ जाती है और मार्को से कहते हैं, एनी मेरी मदद करो जल्दी। एनी से पूछती है कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? राइनर उसे बताता है कि मार्को ने मेरी और ब्रेथहोल्ड की सारी की सारी कन्वर्सेशंस सुन ली हैं और अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारी पोल खोल देगा। ये सुनकर एनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मार्को को पता चलता है कि एनी भी इन दोनों के साथ मिली हुई थी। तब इनकी तरफ एक टाइटन आने लगता है और राइनर एनी से कहता है कि जल्दी से इसका ओडियम गियर निकाल दो और एनी ना चाहते हुए भी मार्को का ओडियम गियर निकाल देती है और दूर फेंक देती है उसे। और इसके बाद वो तीनों मार्को को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं और मार्को रोता रह जाता है और वो टाइटन पीछे से आकर मार्को को खा जाता है। तो भाई सीजन 1 में जब हमने देखा था कि मार्को मर चुका है तो ये इन दोनों हरामियों का ही काम था। इसके बाद कहानी उसी रात में आ जाती है जब सर्वे कॉप्स शिगांशिना के लिए निकले थे। राइनर और ब्रेथहोल्ड अपने चीफ जीक के साथ शिगांशिना की वॉल पर बैठे स्काउट्स के लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। जीक इनसे कहता है, एनी की चिंता मत करो, वो ठीक ही होगी, उसे वो लोग टॉर्चर नहीं कर सकते, अगर उसे एक भी खरोच आई ना तो वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर सभी को मार देगी। जीक कहता है कि अब हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, फाउंडिंग टाइटन को हासिल करना और इस पूरे के पूरे बुरे सपने को खत्म करना और मैं चाहता हूँ कि ये काम हमारे हाथों से ही हो। ब्रेथहोल्ड भी इस बात से सहमत होता है। तभी नीचे एक कार टाइटन वहां पर आकर उन्हें बताता है कि सर्वे कॉप्स इसी तरफ आ रहे हैं। फिर वो तीनों साथ में कॉफी पीते हैं। जीक बोलता है, तो मेरे बहादुर वॉरियर्स ये हमारा आखिरी मिशन होगा। और इसके बाद वो सभी के सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस पर जाने लगते हैं और अपनी अपनी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां ब्रेथहोल्ड सोच रहा होता है कि राइनर को ट्रांसफॉर्म हुए काफी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक उसने मुझे कोई सिग्नल क्यों नहीं दिया। और इधर हम देखते हैं कि उस धमाके की वजह से राइनर का आधा सिर गायब हो चुका था। कुछ सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं राइनर की मौत से, पर शाशा और कोनी रो रहे होते हैं क्योंकि राइनर पहले उनका दोस्त हुआ करता था। हांजी उन सभी से कहती है, ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अपने थंडर स्पीयर्स को फिर से रेडी कर लो, हम एक और बार राइनर पर अटैक करेंगे ताकि इसके जिंदा बचने का कोई भी चांस ना रहे। और तभी राइनर जोर से चिल्लाता है जो कि एक सिग्नल था ब्रेथहोल्ड के लिए और ये सुनते ही वो कार्ड टाइटन जीक के पास आता है और उसकी पीठ पर जो बक्से रखे हुए थे दरअसल उसमें ब्रेथहोल्ड होता है। फिर बीस्ट टाइटन उस बैरल को उठाकर शिगांशिना डिस्ट्रिक्ट की तरफ फेंक देता है। इधर हांजी बोलती है कि जल्दी से जल्दी इस पर अटैक करके इसको मार दो, मुझे लगता है जो अभी ये चिल्लाया था ये एक सिग्नल था। और तभी आर्मिन को आसमान में उड़ता हुआ एक बैरल दिखाई देता है जो इनकी तरफ ही आ रहा था। आर्मिन हांजी से कहता है, वो देखो आसमान में उस बैरल में ब्रेथहोल्ड है, अगर
अगर वो कोलोसल टाइटन में बदल गया तो उसके धमाके से हम सब मारे जाएंगे। और फिर सभी राइनर से दूर हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इधर ब्रेथहोल्ड सोच रहा होता है कि वो पूरे के पूरे शहर को जलाकर राख कर देगा। वो ट्रांसफॉर्म होने ही वाला था कि तभी उसकी नजर राइनर पर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में था। और तभी ब्रेथहोल्ड उस बैरल से बाहर निकलकर राइनर के पास जाकर देखता है कि सर्वे कॉप्स ने उसका आधा सिर उड़ा दिया है। लेकिन राइनर अभी तक जिंदा था क्योंकि उसने अपनी कॉन्शियसनेस को ह्यूमन बॉडी में से ट्रांसफर करके टाइटन बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद हम उन स्काउट्स को देखते हैं जो कि दूर जाकर खड़े थे और वो देखते हैं कि ब्रेथहोल्ड उनकी तरफ ही आ रहा होता है। हाँ जी, उन सभी को ऑर्डर्स देती है कि अब हमारे पास दो दुश्मन है, एक स्क्वाड यहीं पर एरन के पास रुकेगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और बाकी लोग मेरे साथ चलो। और तभी आर्विन चिल्लाकर ब्रेथहोल्ड को कहता है कि वहीं पर रुक जाओ और कहता है हमें लड़ने की जरूरत नहीं है ब्रेथहोल्ड, बात करने से मामला ठीक हो जाएगा। ब्रेथहोल्ड बोलता है कि अगर मैं बात करने के लिए तैयार हो जाऊं तो क्या तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओगे? मुझे तो बस दो चीजें चाहिए तुमसे, एक तो ये एरन और दूसरा उस वॉल के अंदर सभी के सभी इंसानों की मौत। आर्विन उसे कहता है मुझे बुरा लगा बहुत, मुझे तो लगा था सिर्फ तुम ही बचा सकते हो एनी को, क्योंकि ये मिलिट्री वाले तो उसे कुत्तों को खिलाने के बारे में सोच रहे थे, पर अब मुझे पता चल गया है तुम्हें एनी से कोई मतलब नहीं है। तभी वो आर्विन के पास आ जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है आर्विन, तुम एनी का नाम लोगे और मैं मान जाऊंगा? मुझे पता है तुम बस मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त। तभी मिकासा पीछे से आकर ब्रेथहोल्ड को मारने की कोशिश करती है लेकिन ब्रेथहोल्ड इससे बच जाता है और वहां से भागने लगता है। मिकासा उसे जाने देती है क्योंकि वो किसी भी कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। इस तरफ हांजी की स्क्वाड राइनर के पास जाकर देखती है कि वो लेट गया था जिसकी वजह से राइनर की बॉडी पूरी तरह से कवर हो गई थी और अब वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और हम ब्रेथहोल्ड को देखते हैं जो कि राइनर की तरफ ही जा रहा होता है और ब्रेथहोल्ड ठीक राइनर के ऊपर जाकर कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है जिससे शिगांशिना में एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितना धमाका होता है और उसके बीच का हिस्सा जलकर राख हो जाता है। पर धमाके से काफी दूर होने की वजह से एरन की स्क्वाड बच जाती है। आर्विन उन सभी को बताता है कि हांजी की स्क्वाड राइनर के काफी ज्यादा करीब थी जिसका मतलब है कि वो सभी के सभी लोग मारे गए उस धमाके में। इसके बाद वो सभी लोग उसी कोलोसल टाइटन को देखते हैं जो कि अपने आसपास के घरों को तबाह करना शुरू कर देता है और वहां पर तबाही मचाने लगता है। और उसे रियलाइज होता है कि उस कोलोसल टाइटन की वजह से अब सिर्फ वो 6 लोग ही बचे हैं बस। आर्विन कहते हैं कि हमें इसी वक्त कमांडर एरविन के पास जाना चाहिए वापस और उनसे नए ऑर्डर्स के बारे में पता करना चाहिए। लेकिन जीन बोलता है कि अगर वो कोलोसल टाइटन वॉल के पास पहुंच गया तो इससे तो बाकी के स्काउट के मेंबर्स भी मारे जाएंगे जो उन घोड़ों के पास हैं अभी, वो उन पर जले हुए घर फेंक देगा जिससे कि वो आग और बीस टाइटन के बीच में फंस कर रह जाएंगे। और उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें इसी वक्त कोलोसल टाइटन को मारना होगा। और इस तरफ कमांडर एरविन देख रहा होता है कि सामने की तरफ से कोलोसल टाइटन उसकी तरफ आ रहा है और पीछे बीस टाइटन खड़ा है। तो अब कमांडर एरविन क्या करेगा? और गाइस क्या लगता है आपको, क्या ये लोग कोलोसल टाइटन को हरा पाएंगे? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। और इस सीरीज का पार्ट 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और गाइस इसका अगला पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है गाइस और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।